上去了，Happy birthday！不是，今天去巴基斯坦的独立日。अलीबर्ट ये पाकिस्तानी फ्लैग वाला केक लेके कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में, पाकिस्तान के ऊपर से जाने और चाइना में। वाओ। Te fuiste por un futuro y el pasado se quedó. Después de un par de meses no sabía cómo sentirme. Tú luchabas por tus sueños pero me abandonaste. Un dolor de cabeza terrible. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल, वी गैदर लोग इज डूइंग ग्रेट। तो यार आज है 14th ऑफ अगस्त और चाइनीज का है वैलेंटाइंस डे, तो आपका भाई सेलिब्रेट करने आया है वैलेंटाइंस डे। अरे नहीं यार, ये सारे लड़के हैं, ये सारे छड़े छड़े आए हुए हैं मेरे साथ, तो हम सेलिब्रेट करने आए हैं 14th ऑफ अगस्त। यस, जश्न आज़ादी मुबारक। और हम लोग आए हैं जी, कुछ समझ रहे हो पीछे पिक्चर में, कुछ समझ रहे हो? तो यार हम लोग आए हैं इंडियन रेस्टोरेंट में पाकिस्तान की बर्थडे सेलिब्रेट करने, वो भी चाइना में। नाउ से पीस। तो यार मेरे साथ आए हैं फहीम भाई से, हेलो, हेलो टू माय व्लॉग, नाउ यू कैन से पीस। और मोहम्मद तला से हेलो, हेलो। उसके बाद हैं जी अली सुल्तान, अली सुल्तान से हेलो, पीस। You have to say hello. Hello, peace. Yes. Bunny. Jashn-e Azadi Mubarak. Wow, yaar, har kisi ki apni ek tashan hai na. Ali Bird, say hello. Peace. Yaar, mujhe lagta hai ye bande jo hai na, ye aainda ke baad salam ki jagah bhi peace peace karenge, itna inko maine peace ratwa di hai. तो यार हम लोग यहाँ के बैठे हैं, हम लोग अपने साथ पाकिस्तान का जो फ्लैग वाला केक है वो लेके आए हैं। तो यहाँ की जो ओनर थी उसने हमसे पूछा कि मतलब किसकी बर्थडे, हम लोगों ने बोला जी हमारे कंट्री की बर्थडे, पाकिस्तान की बर्थडे। तो वो हंस रही थी, फिर उसके बाद उसने हमें ये वाला केक दिया कि मुँह मीठा कर लो, अब हम लोग उसे ये वाला केक देंगे। यस, Sabes lo que pasa, mi amor, cuando nos tocamos los dos, la distancia lo ha destruido. Es más fácil decir adiós. Cuentos de playa con fogata en la arena, o como sirenas. Esto no fue real. Todos los besos y caricias ajenas y todos mis temas yo te voy a extrañar. मोहम्मद तला, तुम अपने इंडियन फैंस को क्या पैगाम दोगे? अबे नहीं यार, क्या पैगाम देना चाहते हो लोगों को? पैगाम हम ये देना चाहते हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। यस, तो इसलिए इधर आए हैं, आज हमारा है तो तनुकर होगा। अमन का पैगाम देने आए हैं, अमन, अमन, अमन का मतलब पीस। यस, पीस का पैगाम देने आए हैं। तो यार यहाँ आने का जो आइडिया था वो आपके भाई का था। आइडिया भाई ने इसलिए दिया कि भाई सैफ अली खान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, सैफ अली खान को वो जो डायलॉग है ना कि मैं घर में घुस के मारूंगा, तो हम लोग आज जी घर में घुस के केक काटने आए हैं। क्यों फेम भाई, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही हम घर में घुस के अब मार तो सकते नहीं हैं क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, तो हमने बोला घर में घुस के केक काटते हैं। आस्ता बोलते हैं ना, आस्ता बोलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट है, कहीं मारे ना। बिल्कुल सही बात है, मैं आस्ता वो पिक्चर देख रहे हैं सब जगह पे, बिल्कुल वहीं से उन्होंने फायर करना है। आप क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो यार ये सारा सीन है। बाकी साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। मोहम्मद तला तो आया था सर्जिकल स्ट्राइक करने, कह रहा है मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। यहाँ के खाने देख के मोहम्मद तला जो है वो भूल गया है सब कुछ। ये खाना देख के मोहम्मद तला के होश उड़ गए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक साइड पे छोड़ दिए। एक मिनट यार, मोहम्मद तला जब यहाँ आया था वो कह रहा था मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, पर अब कह रहा है कि मैं अब डबल डबल सर्जिकल स्ट्राइक करूँगा, पर इन पे नहीं, खाने पे। खाना देख के बंदा जो है वो गद्दार हो गया है, गद्दार है। मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, यार मुझे भूख लग रही है, वो इशार है, हमारा इशार है, तुम्हारा इशार है। भाई खाना देख के बंदा जो है वो बह गया है।
अलीबर्ट तुम कहाँ आए हो यार, ये सारे तो पागल हैं, तुम क्यों आए हो इनके साथ? पागल मैं भी पागल ही हूँ। पागलों के साथ रह रहे कि ये भी पागल हो गया है, और केक कटेगा तो सब में बटेगा होगा। ये क्या था? आज वैलेंटाइंस डे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गरीब कट गरीब गरीब हूँ मैं, मगर ये मेरी खता था नहीं। गुरबत का वैलेंटाइंस डे से क्या तल्लक? जब हाल दिल किसी से के। हाल दिल सुनाने को बहुत है, आप सुनाएं तो सही। दर्द से भरा हुआ है। हाँ जी, हमारे ये वाले कंटेस्टेंट जो हैं ये दर्द से भरे हुए हैं। अली सुल्तान क्या चल रहा है? यानी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं। तो उनको रोक लो ना, उनको बोलो थक जाओगे बैठ जाओ। भाई नहीं रुक रहे यार, यहाँ तक आते हैं फिर मैं नीचे दबा देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए हो या खाना खाने? अपना एक तीर से दो शिकार करेंगे आज। तुम तो बड़े शिकारी हो यार। बचपन से शिकार करते आ रहे हैं। क्या हो गया है? दौरा पड़ गया इस पे, और शूज सुंगा वैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है। अच्छा सॉरी, हंस रहा था। और यार ये इतनी सुस्ती सुस्ती सबको इसलिए आई हुई है कि सबको लगी हुई है भूख। ग्लूकोज की कमी है इसमें, इसमें तो बहुत ही ज्यादा ग्लूकोज की कमी है यार। तूने ड्रिंक पी रहे हैं यार, इसी से ग्लूकोज की कमी हो जा रहे हैं। ओके हो गया, पियो आप, पियो। ये वैशी वैशी दरिंदा है, पकवान इंडियन रेस्टोरेंट है ब्रो। तो यार एक हम ऑर्डर देने लगे हैं पकवान स्पेशल शान बिरयानी, और दूसरा थाली चिकन थाली। तो यार अभी मैं बैठा हुआ था तो अली सुल्तान ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, इसने पूरी साइंस को गलत साबित कर दिया है यार। वो इंकशाफ अब अली सुल्तान के मुंह से ही सुनेंगे। सो अली सुल्तान, आपने क्या डिस्कवर किया है कि सारी जो साइंस है वो आपके पीछे पड़ी आपको ढूंढ रही है? क्या डिस्कवर किया आपने? मैंने ये डिस्कवर किया, हमारे जो भाई है ना, हाँ, दिन ब दिन उसकी नाक बड़ी होती जा रही है। नाक बड़ी होती जा रही है। तो डॉक्टर अजान आप भी और हम भी हैं, मुझे अभी इसी चीज़ का पता नहीं है ना भाई, नाक इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो जाती है? अच्छा जी। तो यार इसने बयान अपना जो है वो चेंज कर दिया है। पहले ये कह रहा था कि यार बनी जब हंसता है तो इसकी एक ये जो साइड है नाक की ये बड़ी होती जाती है पता नहीं क्यों, तो अभी इसने बयान चेंज कर दिया है। बनी कितने पैसे दिए? बयान चेंज करने के कितने पैसे दिए? चोंच की बात करें, चोंच ये तोता तोता है, चोंच की बात कर रहा हूं। यार बड़ा डीपली तुम्हें ये ऑब्जर्व करता रहता है। मेरे साथ ही मेरा रूममेट ही है यार, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा यार मुझसे गलती होगी, अली सुल्तान कह रहा था कि इसकी नाक की जो चोंच है ना वो बड़ी होती जा रही है। पता नहीं इन्होंने बनी को तोता बना दिया है, क्या सीन है यार। ये और खबर पता नहीं बनी के साथ क्या क्या करते रहते हैं दोनों। इस चीज का तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मुझे लगता है ये तो आप लोग वही मैं सोच रहा हूँ, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? बनी से रूममेट हूँ मैं, पूछ मैं आपसे रहा हूँ। अजीब सिस्टम, गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा। यार मेरा कसूर नहीं है, यार मेरा कसूर नहीं है, भूख लगी हुई है यार। ये कितने खुश हो रहे हैं दोनों। तो यार भाई का कसूर नहीं है, भाई की दिमागी हालत जो है वो सही है, भूख की वजह से खराब हुई पड़ी है। खराब हो गई है। तो अभी खाना खाएंगे तो फिर उसके बाद अपनी असली हालत में आएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने बने रहे साथ, हमारे साथ बने रहें, हम आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमने बड़े बड़े तज्जिया निगार यहाँ पर बुलाए हुए हैं। ये हमारा जो है जी ऑर्डर आ गया है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो यार ये हमारा केक है जो कि है पाकिस्तानी फ्लैग, इसको एक्सप्लेन करेंगे मोहम्मद तलहा। देखो इसमें ना ये जो होता है ग्रीन कलर, हाँ ये
मुस्लिम्स के लिए होता है कि ये मुस्लिम्स के लिए होता है ठीक और फिर ये जो होते हैं वाइट कलर हाँ ये होते हैं माइनॉरिटीज के लिए फिर लोग और हम लोग ज्यादा सखी हैं ना हमने ये हिस्सा भी माइनॉरिटीज को दे दिया है हाँ। फिर लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर ना माइनॉरिटीज को हुक नहीं मिलते उनके लिए झंडे में पूरा का पूरा वाइट कलर का हिस्सा दिया हुआ हाँ और ये डंडा तुम जैसे लोगों के लिए दिया हुआ है बीच में ये वाला ये वाला तो यार खाना हम लोगों ने खा लिया केक काट लिया सब कुछ कर लिया बहुत मज़ा आया वो मज़ा तो नहीं आया जो पाकिस्तान में आता है या आना चाहिए पाकिस्तान में जो मज़ा होता है बट फिर भी हम लोगों ने तो एंजॉय किया ब्रो आप लोगों ने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा खाना एंजॉय किया मुझे तो लगता है तुम लोगों ने सिर्फ खाना एंजॉय किया है केक काटा तब एंजॉय किया अरे केक कटा तो फिर सब में तो बटा ना सो या अभी घर जा रहे हैं अगर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई तो वो मैं आपको दिखाऊंगा सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड आपको खाना कैसा लगा यार इनको यकीन नहीं आ रहा कि भाई इतना एनर्जेटिक कैसा है तो जी बनी माय गॉड आप बोले आपको खाना कैसा लगा यार खाना अच्छा था बहुत अच्छा भी नहीं था पर ठीक था ओके मोहम्मद तलहा कैसा था खाना कल जैसा अली भट्ट ठहर के भाग रहा है अली भट्ट अब तुम्हारा नंबर है अली भट्ट कैसा था खाना खाना अच्छा था अच्छा था खाना अच्छा था यार मजे का था और केक केक भी अच्छा था ब्रो भाई की एनर्जी देख रहे हो किस वजह से चीज की वजह से नहीं खाने की वजह से खाना खाया है ना अब एनर्जी आ गई है बट अब दिखाने को कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं ना एनर्जी का हम क्या करें बनी अब दिखाने का कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं तो इस एनर्जी का क्या किया जाए इसे कहाँ यूज किया जाए बताओ वॉशरूम में गुड बॉय यस तो ब्रो आपको कैसा लगा खाना ब्रो खाकर भाई हमें तो अच्छा बहुत लगा वैसे मजा आया केक वगैरह भी अच्छा था जी खाना भी अच्छा था सब कुछ बहुत अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को एंजॉय करें व्लॉग को कमेंट्स करें बताएं आपको कैसा लगा yes. और शेयर वगैरह करें yes. मैं इन्हें कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिंदगी के मजे कैश करें क्या मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं यस yes. बिल्कुल सही तो भाई सब्सक्राइब करो और जिंदगी के मजे कैश करो सो या स्टे ट्यून्ड तो यार अभी मुझे एक चीज नजर आई है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो वो है ये नहीं अली भट्ट नहीं यार ये वाले पावर बैंक्स तो यार ये जो है ये पावर बैंक्स हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपके फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है कहीं भी किसी भी टाइम तो आपको ये इजीली मिल जाते हैं आप इनको स्कैन करते हैं और उसके बाद पे करते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं फिर इनको आप अपने साथ ले जाएं फ़ोन चार्ज करें और जहां पे फिर इस तरह का आपको बूथ नज़र आए उसको ऑफ करके उसके अंदर डाल दें सो या नज़र आए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ एक इन्फॉर्मेशन है लेनी है तो ले लो नहीं लेनी तो जाने दो ब्रो यस ना लो सो या तो यार एक बहुत ज़रूरी बात यार हमारा इस रेस्टोरेंट में आने का मकसद मतलब किसी को नीचा दिखाना या कोई ऐसा कोई सीन नहीं था हम लोग सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे कि हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट का खाना जो है वो मतलब सही तरह से ट्राई नहीं किया था एक बार आए थे कुछ हल्का फुल्का खाया था सही मज़ा नहीं था तो इस बार ही हम लोग बॉयज़ के साथ फुल माहौल बना के आए हमने बोला खाना भी खा लेंगे थोड़ी गैदरिंग भी हो जाएगी केक भी काट लेंगे सो यार यही हमारा मतलब मकसद था यार चाइना में कौन पाकिस्तानी कौन इंडियन यहाँ पर सब भाई भाई होते हैं ब्रो भाई ने एक तीर से दो शिकार किए केक भी काट लिया खाना भी ट्राई कर लिया क्यों बनी यस yes? yes. वो कहते हैं ना साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे क्यों अली भट्ट मजे कैश कर रहे हो मेरे साथ ऐसे ही यस अली भट्ट भी जी मजे कैश कर रहा है आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ रहें जिंदगी के सारे मजे जो हैं वो कैश करें क्यों अली सुल्तान और मोहम्मद तलहा ऑफ कोर्स जाने यस यस मोहम्मद तलहा क्या कहोगे इंडिया को भी उड़ा दी ये इसके बारे में हाँ देखो हाँ डिफाइन
जो भी कहते हैं छोड़ो, पर इस व्लॉग को यही एंड करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ से पीस पीस अल्लाह Allah Hafiz. Amor, cuando nos tocamos los dos, la distancia lo ha destruido. Es más fácil decir adiós. Sabes lo que pasa, mi amor, cuando nos tocamos los dos, la distancia lo ha destruido. Es más fácil decir adiós. Cuentos de playa con fogata en la